मुझे पता चला कि मैं हूँ कौन, क्योंकि ये वाला सवाल मेरे जहन में बहुत सालों से घूम रहा था कि मेरा मकसद क्या है। मैंने जो दीन पढ़ा था वो एक सख्ती से पढ़ा था, तो इसलिए मेरा दिल नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने सफ़वा ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि दीन जो है बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइड किया जाता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो फ्रीली आप पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फ़िज़िकल से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट लगी हैं। मैंने जितना ऑनलाइन क्लासेस से सीखा है, मुझे लगता है मैंने फ़िज़िकल क्लासेस से नहीं सीखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आतिका सिद्दीकी है, मैं बी ए पार्ट वन की स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा मैं टीचिंग भी कर रही हूँ और ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, बच्चों को करा रही हूँ कुरान मजीद की। सफ़वा कोर्स मैंने जो है इस तरह ज्वाइन किया कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना सीधा रास्ता दिखा दें। मैं दीन पर तो थी लेकिन जो एक मुतमईन नहीं थी, दिल जो है ना डाइवर्ट हो जाता था इधर उधर। तो फिर जो है असफ़ा मैंने ऐड देखा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों उसको ज्वाइन किया, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि मेरे बहुत सारे सवालात के जवाबात जो है मुझे इस कोर्स से मिल गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेरा अरबिक का सेशन बहुत मुझे मज़ा आया पढ़ने में, और इस्पेशली फॉर शेख आतिफ़, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया अकीदा के उस पे। और शेख अरसलान नासिर तो मेरे फेवरेट टीचर बन गए। मैंने जो दीन पढ़ा था वो एक सख्ती से पढ़ा था, तो इसलिए मेरा दिल नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने सफ़वा ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि दीन जो है बहुत प्यारा है, इसलिए मुझे सफ़वा इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया। और चीज़ों से टीचर्स बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं, बात समझते हैं, और जो है सबसे बड़ी बात कि जज नहीं करते स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाइड किया जाता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो फ्रीली आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत चेंज आया मेरी ज़िंदगी में। मुझे पता चला कि मैं हूँ कौन, क्योंकि ये वाला सवाल मेरे जहन में बहुत सालों से घूम रहा था कि मेरा मकसद क्या है। और मैं समझती थी कि दीन बस यही है कि 5 नमाज़ें पढ़नी और बस। लेकिन जब मैं सफ़ा मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला दीन तो बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। तो इसलिए जो है मुझे ये पसंद आया सफ़ा। जी बिल्कुल, मैं रिकमेंड करती भी हूँ और मैं कहती भी हूँ कि लाजमी इसको ज्वाइन करें। सफ़वा से रिलेटेड यही रिव्यू है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है सफ़वा से, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी सफ़वा लाजमी ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे जो अच्छी लगी, जब मेरी क्लासेस मिस हो जाती थी तो मैं जो है रिकॉर्डिंग सुन लेती थी, तो मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं हो पाती थी। और अगर कोई क्वेश्चन होता था तो मैं बाद में जो है कोऑर्डिनेटर से दोबारा रब्ता करके हम वो सवाल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये बात जो है मुझे सफ़ा की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि हम जो है ना फ्रीली अपनी क्लासेस ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फ़िज़िकल से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट लगी हैं, क्योंकि जो है मैंने जितना ऑनलाइन क्लासेस से सीखा है, मुझे लगता है मैंने फ़िज़िकल क्लासेस से नहीं सीखा है। क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का रवैया एक तो बहुत बेहतरीन है, आपको कभी भी फील नहीं होता कि आप फ़िज़िकल क्लास में मौजूद नहीं हो। शुरू में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए मुश्किल होगी, लेकिन फ़र्स्ट क्लास के बाद ही मैं जो है बहुत मुतमईन हो गई थी। नहीं, इस तरह की तो मैंने अभी तक कोई भी बात नोट नहीं की है, और कोई भी टीचर फिरके को तो बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। लेकिन जो है अलमिदरार सफ़ा का जो कोर्स है ना, उसमें टीचर्स ने कभी भी किसी भी फिरके की बात नहीं की है। उन्होंने दीन को ही फर्स्ट नंबर पर रखा है, हमेशा जो भी बात की उन्होंने दीन को और सुन्नतों को लेकर ही की है। मैं यही कहूँगी कि अपने जो है वक्त में से थोड़ा सा वक्त अपने आप को भी दें और सफ़र लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि जो है इंसान को अपने लिए भी ज़रूरत होती है कि वो कुछ कर सके, वो आगे बढ़ सके। तो सफ़र ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह।